आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कल यहां तक हो गया था पिछला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एक बताइए कि आप बता देंगे सर कि इस टाइम की डॉलर्स इन द मोलर ऑफ पावर की क्यू से एग्जिस्ट 120 किलोवाट्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पार्ट अपर ऑफ पावर की क्यू से एंड आल्सो कैलकुलेट एंड आल्सो टू फैक्टर एंड आल्सो कैलकुलेट फॉर द एरिया एंड आल्सो कैलकुलेट टू फैक्टर फॉर द सर्किट। ये हो गया है इफ द बैंडविड्थ ऑफ द यूनिट सर्किट द बैंडविड्थ ऑफ द यूनिट सर्किट किसी को भी नोट करते हैं डेटा हो गया से डेटा है लेकिन यूनिट आपका ये पर सेकंड होगा तब आपको क्या नोट करना डेटा होगा। यूनिट आपका किलो वाट हर्ट्ज में होगा तो क्या नोट करना डेटा। तो हर्ट्ज में यानी कि डेटा ये है 10 किलो हर्ट्ज ठीक। तो डेटा आप इसको 10 किलो हर्ट्ज लिख लिया 10 किलो हर्ट्ज का मतलब बनेगा 10^3 हर्ट्ज में रखेंगे एफआर को डिफरेंस मार्क करके बात करते हैं। एफआर से पहले है वो क्या जाएगा लोअर हो जाएगा एफआर एफआर के बाद वो अपर हो जाएगा या हाईर हो जिस तरीके से भी आप जिस सेंस में समझ ठीक। तो बात करते हैं कि हमने आपको बैंडविड्थ यूनिट्स पर में आपको बताया था कि बैंड साइज में होता है अपर एंड लोअर ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। हाउस बैंडविड्थ के टाइप का वैल्यू क्या है किस में होता है स्टेट्स में अपना नाम इस कनेक्टेड में से भी इनपुट एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई को अच्छी क्वालिटी पावर और सप्लाई के स्टेट्स आर इस कनेक्टेड में से भी इनपुट एंड इंडक्टर उस भी कनेक्टेड के इंडक्टर से एंड कैपेसिटर के द्वारा क्रॉस सप्लाई में फ्रीक्वेंसी और उसके क्रॉस पर एमएल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज का व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज the current is at maximum the frequency की value 400 माइक्रोवेल्यू उस current की value से आपके maximum value maximum value की value कितनी 0.5 and potential difference for the potential is 150 और potential difference for the capacitor के maximum कितना जा रहा है like for the resistance and inductance resistance and inductance मतलब 400 हर्ट्ज पे सेट हो रहा है
कुछ टाइम पहले की जो वैल्यू बन रही है सर्किट के अंदर वो मैच कर रही है। हमने आपको बताया था कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम तक होती है जब सिंगल सर्किट एक सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है, तब मिलती है जब सर्किट रेजोनेंट कंडीशन होती है और उस रेजोनेंट कंडीशन पे मिलने वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंट कंडीशन के अंदर करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सर्किट
कंडक्शन बॉन्ड का सेटअप मतलब इंडक्टेंस ऑफ पिस्टन की वैल्यू भी बता देंगे। अब देखिए यहां पे क्या दिया है, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो b = d टेंशन मोमेंट इसको नोट कर लीजिए। यहां पे b इस इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा, b max मिलेगा। तो b max इक्वल टू क्या होगा, b max इक्वल टू क्या आ जाएगा, b max इक्वल टू 10। ठीक, b max इक्वल टू 10 पर अब हमको ये भी दिया है कि bc जो है रेजोनेंट कंडीशन पे। ठीक, इस तरह के सर्किट का ये सीरीज पैरेलल
सीरीज में क्या आ रहा है एंगल एक्स इसको सीरीज में आ रहा है आर के लिए जो फाइव दिख रहा है एक वैल्यू जो पॉइंट फाइव भी दिख रहा है और सी के लिए फाइव वाई दिख रहा है सी को फाइव में बदल दीजिए तो फाइव में बदल दो एक्स स्क्वायर को भी तो सारे डाटा को उसके लिए आर ट्वेंटी फाइव का ये फाइव वाई और सी फाइव में बदल दो एक्स स्क्वायर नोट करने के बाद आर का कैलकुलेशन हम लोग इस सर्किट के लिए लेंगे फ्रीक्वेंसी के फार्मूला क्या निकाल लेते हैं आपको मालूम नहीं है जैसा सर्किट होगा वैसा फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमने आपको डिफरेंट टाइप का सर्किट बनाया था और डिफरेंट टाइप के सर्किट के लिए अलग अलग फार्मूले बताते हैं इनके अलावा भी कोई सर्किट आया था तो जिस प्रोसेस से यहाँ पे एफ आर निकाले हैं उसी प्रोसेस से सर्किट के पहले एफ आर निकालेंगे और उसके बाद उस एफ आर को एज ए फार्मूला यूज करके उसमें डाटा पुट करेंगे तब आपका कैलकुलेशन करके सही मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस सर्किट के लिए एफ आर का फार्मूला बार का जो कैलकुलेशन है वो कितनी हो रहा है 100.3283 सेकंड पॉइंट देखिए कैटरीजेनेस तो कैटरीजेनेस इंपीडेंस क्वेश्चन है टोटल इंपीडेंस कैटरीजेनेस तो ये ही आपका सेकंड पॉइंट बताया है टोटल इंपीडेंस कैटरीजेनेस मतलब होता है जेड इज इक्वल टू एल बाय सी है तो इसको भी देखिए इस सर्किट के लिए रेजोनेंस में इंपीडेंस क्या निकाला गया था फार्मूला हो गया था फाइव इक्वल टू कि देखिए यहां पे हमने निकलवाया था इंपीडेंस एट डिलीवर कंडीशन इंपीडेंस एट डिलीवर कंडीशन इस तरीके से कि जो 1/0 रूल पर भी ये कांस्टेंट है कि ये कांस्टेंट है ये बना एक में मैंने रेंज कंडीशन में आपको बताया गया था कि मैं टेंपरेचर को सी 0 लगा दिया क्या भी है ये 0 हो जाएगा तो 1/0 रूल पर भी ये बचेगा तो जब इसको सॉल्व करते हुए नीचे तक आएंगे ये z इक्वल टू l / c आ रहा है तो इसको एज ए फार्मूला यहां पे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे यूज करने के तब आपका आंसर आएगा तो यहाँ पे हमें जेड इक्वल टू एल पास सी या जेड एल भी पता सी भी पता आर भी पता करेंगे तो जेड की वैल्यू आ गई कितना 4000 आपको बताया गया था कि जेड की वैल्यू पहले एनालिसिस में ही है सिर्फ पहले एनालिसिस सर्किट में मैक्सिमम में जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम भी तो इस तरीके से इतना ओम दिख रहा है तो इसी को 4000 कह सकते हैं। डेटा एक्ट की बात करते हैं डेटा एक्ट क्या है आर अपन भी पहले से कैलकुलेट कर लेंगे तो आर आपको पता है भी पता है कि आपका 7196 की फैक्टर की कैलकुलेशन की करते हैं इक्वल टू 1/8 जो कि बात एल बाय सी से कैलकुलेट करते हैं 6.5 ये भी अपन सिस्टम में यूनिट सिस्टम में इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट द फिटनेस ये रेजोनेंस कैलकुलेट द रेजोनेंस फंक्शन पर गिवन सर्किट द रेजोनेंस फंक्शन पर गिवन सर्किट तो ये सर्किट कैसे है ये भी सीरीज पैरेलल रेजोनेंस में क्या है कि आर और सी पैरेलल आर और सी के पैरेलल में और एल इन दोनों के सीरीज में इस टाइप के सर्किट के लिए डेरिवेशन तो नहीं कराया था लेकिन हमने आपको बताया था डेरिवेशन अगर आता है तो उसी सेम प्रोसेस से करेंगे लेकिन जो फार्मूला आया था उसको हमने लिखवा दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट के लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिखा देना आपको ये देखिए ये वाला है आर सी पैरेलल में उसके सीरीज में उसके लिए फार्मूला क्या था फाइव इक्वल टू 1/2 × √2 × (n)√c − 1/r² c² ठीक हर सर्किट के लिए अलग अलग फार्मूले हैं जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। समझ के करेंगे इजी रटेंगे तो नहीं तो यहाँ पे आपका ये हो गया फार्मूला आर इक्वल टू 1/2 × √2 × (n)√c − 1/r² c² डाटा पुट करेंगे तो डाटा पुट करने के बाद कैलकुलेशन अगर आप सही करेंगे तो सही आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेशन प्रोसेस में पूरा डेवलप करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपका
कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसे देखना है, समझना है, बाकी आपको भी समझ में आ रहा है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी व्हिच रीजन सी डिटरमाइंस फॉर द सर्किट सॉल्व ठीक है, मतलब इसमें सी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए सर्किट थेवेनिन कंडीशन है। तो आपको रीजन इस सर्किट को क्या कहते हैं, सीरीज पैरेलल आरएलसी सर्किट डिवाइड बाय आरएल सीरीज में कुछ भी बंद आरसी सर्किट ठीक। तो यहां पे जो यहां जे ए टू लिखा है, जे यू टू लिखा है, जे के साथ एक्सएल लगा रहता है, एल ए लगा रहता है, तो जे के साथ एक्सएल लगा रहते हैं कि एक्सएल बराबर ए टू एक्सेल से हम पहले कर लेंगे। तो एक्सेल से हम देखें कैलकुलेशन एक्सेल से एक्सेल बराबर होने के लिए तो हम पहले जो पढ़ते हैं तो वहां से हम पुट करके के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एल की वैल्यू यानी कि अपन का एफ आर इक्वल टू 1000 है। एफ आर की वैल्यू यूज कर लेंगे तो बराबर आएगा कितना 1.27 × 10⁻³ यानी कि 1.27 मिली ठीक। अब हमको सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफआर आपको पता है, एल पता है और आर और आर वन पता है, आर कितना है पूरा आर वन कितना है कटेंगे सी की वैल्यू करके हमारा आ जाएगा। कैलकुलेशन का तरीका आपको सही होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरीके से कुछ करके कैलकुलेट करें तो सी की वैल्यू आ रही है 5.136 इसमें भी लगा कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक है, सही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है 3-phase AC circuit। 3-phase AC circuit नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा।
बाकी इसमें अभी चल रहा है, आपको कुछ डिस्कशन करना हो तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन दोबारा। इस यूनिट से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लास्ट टाइम में क्या क्या आया था इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले यूनिट कवर हो जाए फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी गई थी। ये पूरे सब्जेक्ट का सबसे बड़ा यूनिट, हमको लग रहा है कि पांचों सब्जेक्ट देखेंगे तो सबसे बड़ा यूनिट है। Thank you.